Welcome to our YouTube channel program, Guru Mantra, Siksha Ka Granth. If in any way this channel is helping you, agar kisi bhi tarike se aapko is channel se help mil rahi hai, please subscribe, share and like our videos. Jitna ho sake, aap in videos ko share kijiye, like kijiye, so that you too can make your contribution in this free education mission. Jitni bhi videos aaj tak is channel par uploaded hain, that are free of cost. You can view them, you can learn from them, you can download them for free. So by sharing and liking, you too can make your contribution. For official page of Guru Mantra, please visit the address that is given below. This is the address for my Facebook official web page. You can text me here, you can post your queries here, for sure I will answer them. Jaise hi mujhe time milega, obviously I will answer them for sure. This is the address for website of Guru Mantra, where many ebooks are there, foreign authors ki standard ebooks and Indian authors ki standard ebooks jo hai yahan pe present hai. You can download them easily, PDF format mein jo hai present hai. You can download them for free. Welcome back, dear learners. In this video, we will discuss about the molecular basis of cancer, and this lecture is in continuation of the cancer biology lectures. So for the more lectures, do watch the previous parts also so that you can understand this topic very nicely. So let's continue with this topic. All right, here is the overview. We already had discussed some of the topics. And today we will start with the molecular basis of cancer, in which we will concentrate more on proto-oncogenes and tumor suppressor genes. Alright, starting with the introduction of the topic, that is molecular basis of cancer. Sabse pehle toh hume ye samajhne ki zarurat hai ki what are molecular basis. So molecular basis kya hai? It's like biological activity in between biomolecules in various systems of a cell. देखिए जो सेल होता है उसमें पूरा एक कनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं, पूरा सिस्टम बायोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट है जो कि इंटरैक्शंस को, पाथवेज को, सिग्नलिंग्स को पढ़ता है, राइट तो वही एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है सेल में जो कि उसकी फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं, उनके बीच में क्या इंटरैक्शन है उसको स्टडी करता है, राइट सो बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब के बीच में किस तरीके का इंटरैक्शन है, किस तरीके की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, राइट उसी को कहा गया है मॉलिक्यूलर बेसिस. बिल्कुल मॉलिक्यूल के लेवल तक जाकर स्टडी करना कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं कैंसर का बढ़ावा दे रही हैं, प्रोग्रेशन कर रही हैं, या किस तरीके से चीज़ें ऑल्टर होकर कैंसर की तरफ बढ़ रही हैं, नॉर्मल चीज़ों में ऑल्टरेशन होकर कैंसर जो है वो अराइज हो रहा है. ऑलराइट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर्स. नाउ ऑल जीन्स हुज जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस कंट्रीब्यूट टू कॉजेशन ऑफ कैंसर आर कॉल्ड कैंसर क्रिटिकल जीन्स. कैंसर क्रिटिकल जीन्स. अब जीन्स जो है उसमें दो तरीके के बदलाव होते हैं, जेनेटिक और एपिजेनेटिक. जेनेटिक इंटरनल, इंटरनल डीएनए में क्या चेंज आ रहा है, एपिजेनेटिक मतलब एक्सटर्नली क्या चेंज आ रहे हैं वो हम अडेप्ट करते हैं, राइट यहाँ पे देखिए मैंने एपिजेनेटिक जेनेटिक्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया है. इट रिफर्स टू द एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन टू डीएनए दैट टर्न्स जीन्स ऑन और ऑफ. अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन का जो है प्रोसेस होगा, लेकिन नॉर्मल वे में नहीं, एबनॉर्मल में, एबनॉर्मल वे में, राइट बिकॉज जो चेंज है डीएनए में वो हो चुका है एक्सटर्नल आउटर एनवायरनमेंट की वजह से, राइट सो एपिजेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कैंसर कॉजिंग जीन्स में. अब कैंसर क्रिटिकल जीन्स के अगर हम एग्जांपल समझें या फिर कुछ फंक्शंस समझें, तो बहुत सारे वाइटल फंक्शंस होते हैं जैसे कि सेल साइकिल प्रोग्रेशन, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं रेटिनोब्लास्टोमा, मिक जीन, डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस जहाँ सेल की फेट डिसाइड हो रही है,
वहाँ पे जो है कैंसर क्रिटिकल जीन्स रोल प्ले कर रहे हैं डीएनए रिपेयर, डीएनए डेथ, सॉरी सेल डेथ में। एग्जाम्पल BCL2 जो जीन है, एपोप्टोसिस के प्रोसेस में हमने पढ़े थे प्री एपोप्टोटिक जीन्स, एंटी एपोप्टोटिक जीन्स, तो सभी जीन्स मिलकर जो है रेगुलेट कर रहे हैं प्रोसेस को। अगर उस रेगुलेशन में थोड़ा सा भी मिसमैच आता है जीन्स के एक्सप्रेशन में, जीन्स की कोडिंग में, जीन्स के पैटर्न में, डीएनए के स्ट्रेच में, थोड़ी सी भी म्यूटेशंस ऑल्टरेशंस हो जाती हैं, तो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू सम डिजास्ट्रस इफेक्ट। ऑलराइट, अब कैंसर क्रिटिकल जीन्स के टॉपिक को थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप चल के। बेसिकली इन जीन्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है, प्रोटो ऑनको जीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। अब देखिए, अब जीन में चेंज लाना है, जीन में चेंज लाना क्या है, हम कैंसर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल से चीज़ एबनॉर्मेलिटी की तरफ कैसे बढ़ी, राइट। तो अब जीन में जो चेंज आया वो दो तरीके से आ सकता है, या तो गेन हो जाए फंक्शन का, राइट, या फिर लॉस हो जाए, जो कुछ एक्चुअल उसका फंक्शन है उसमें गेन हो जाए, एडिशनल चीज कोई आ जाए, या जो उसका एक्चुअल ओरिजिनल फंक्शन था वो लॉस हो जाए। दोनों ही चीज़ें जब होंगी तब कैंसर जो है वो कॉज हो सकता है। अब जब गेन ऑफ फंक्शन होता है तो किस तरीके के जीन्स में होता है, प्रोटो ऑनको जीन्स के केसेस में, लेकिन लॉस ऑफ फंक्शन होता है वो होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। देखिए नाम से पता चल रहा है प्रोटो ऑनको जीन्स, ये अगर गेन हो जाए इन जीन्स में तो इट विल लीड टू ऑनको जीन्स। प्रोटो ऑनको जीन्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई एडिशनल चीज आ जाए, उनका एक्सप्रेशन चेंज कर दे, तो वो ऑनको जीन्स में बन जाते हैं, बदल जाते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स में बदल जाते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ऐसे जीन्स जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, रोकते हैं, कैंसर को रोकते हैं। अब उनका फंक्शन ही लॉस हो जाएगा तो डेफिनेटली वो कैंसर में टर्न आउट हो जाएंगे। फाइन, ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्टली सेक्शन बी में डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रोटॉन को जीन में गेन होता है या लॉस होता है, तो आप कैसे याद रखना है, एक छोटा सा ट्रिक है, PG पेइंग गेस्ट, PG में सब रहा कर होंगे कभी भी अपनी लाइफ टाइम में, तो याद रखना उसे, प्रोटो ऑनको जीन्स आर गेनिंग PG एंड रेस्ट इज व्हाट, लॉस। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से हो रहे हैं, राइट। ऑलराइट, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि कैंसर क्रिटिकल जीन्स के रिगार्ड में है वो क्या है, कि अब म्यूटेशन तो हो रहा है, बेशक वो गेन की वजह से हो रहा है या लॉस की वजह से हो रहा है, पर वो डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब आप समझते होंगे, अगर हम प्रोटो ऑनको जीन के बारे में बात करें तो उसमें क्या है कि अगर इस जीन की सिंगल कॉपी में भी चेंज हो गया तो कैंसर की तरफ जीन जो है वो चला जाएगा, राइट, डोमिनेंट केस है यहाँ पे। लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की केस में क्या है, दोनों कॉपी इनएक्टिवेट होनी चाहिए, राइट, जीन्स की दोनों कॉपीज जो है वो इनएक्टिवेट होनी चाहिए। अगर एक कॉपी भी सही है तो भी कैंसर जो है उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा, कैंसर की तरफ जीन का एक्सप्रेशन नहीं आएगा, राइट। बट अगर प्रोटो ऑनको जीन की एक भी कॉपी चेंज हो जाती है, एक भी कॉपी में गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है, देन अल्टीमेटली इट विल लीड टू कैंसर। ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट प्रोटो ऑनको जीन। अब प्रोटो ऑनको जीन का एक नॉर्मल जीन है जो कि सेल में मिलता है, और बहुत सारे प्रोटो ऑनको जीन्स हैं जो कि सेल्स बॉडी में पाए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेल का डिवीजन हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया, ग्रोथ हो गई, राइट। लेकिन कुछ समय क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है चीज़ें गलत हो जाती है, गुड टू बैड ट्रांजिशन हो जाता है, राइट। प्रोटो ऑनको जीन्स ऑनको जीन्स बन जाते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स बन जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें कोई एरर या म्यूटेशन आ जाता है दैट विल अल्टीमेटली लीड टू कैंसर। सेल क्या करेगा, आउट ऑफ ग्रोथ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अब म्यूटेशन में प्रोटो ऑनको जीन में क्या हुआ, म्यूटेशन जब हुआ तब जीन विल रिमेन इन ऑन पोजिशन में है, जबकि प्रॉपरली क्या होना चाहिए, ऑन और ऑफ अकॉर्डिंग टू द नीड रेगुलेट होना चाहिए, बट यहाँ म्यूटेशन ऑल्टरेशन एरर की वजह से क्या हुआ, जीन जो है वो ऑन पोजिशन में रह गया, एक्सप्रेस होता चला जा रहा है और इतना ज़्यादा प्रोटीन बन रहा है कि सेल जो है वो अल्टीमेटली अनकंट्रोलेबली जो है वो ग्रो करे चले जा रहा है और जो कैंसर है वो अराइज होता चला जा रहा है। नेक्स्ट, प्रोटो ऑनको जीन
ऑन्कोजीन में तो टर्न हो रहे हैं, दैट इज फाइन. म्यूटेशंस भी हो रही हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट वॉट काइंड ऑफ म्यूटेशंस, किस तरीके की ऑल्ट्रेशंस, किस तरीके के एरर आ रहे हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर प्रिसाइसली. सो थ्री टाइप्स ऑफ मेन म्यूटेशन, तीन तरीके की जो मेन ऑल्टरेशंस देखी गई हैं जिसकी वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में बदलते हैं, आर पॉइंट म्यूटेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन एंड क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन. पॉइंट म्यूटेशन म्यूटेशन का ही एक टाइप है. ऑल्टरेशन हो गया, बेस पेयर चेंजेस हो गए, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया एक या कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का, तो प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में बदल जाएगा और जो प्रोडक्ट बन रहा है जीन का वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा, जिससे कि प्रोटो ऑन्कोजीन, नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन विल टर्न इनटू कैंसर कॉजिंग जीन. नेक्स्ट इज व्हाट, जीन एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन से मतलब आप समझते हो हाई करना, एक्सप्रेस ज़्यादा होना, राइट. इस म्यूटेशन की वजह से एक्स्ट्रा कॉपी बनने लगती हैं जीन की, जिसकी वजह से भी नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन. नाम से पता चल रहा होगा एक जीन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से रीलोकेट होकर नई क्रोमोसोमल साइट पर चला गया, तो हो सकता है कि वो वहाँ जाकर हायर एक्सप्रेशन दे. दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो इस तरीके के जीन के साथ जाके फ्यूज कर जाए जो कि ऑन्कोजेनिक एक्टिविटी रखता है. तब भी क्या होगा, एक नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में बदल जाएगा. कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो कि आपको याद रखनी है. देखिए, सारे कैंसर्स जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इनहेरिटेड हो, राइट. पेरेंट्स को हैं तो बच्चे को भी होगा. नो, मोस्ट ऑफ देम आर एक्वायर्ड. मतलब हम जेनेटिक एरर्स के साथ जन्म नहीं लेते. वी आर नॉट बॉर्न विद द जेनेटिक एरर्स. इट कैन अकर एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम. अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, राइट. बहुत सारे चीज़ें हैं, ड्रिंकिंग हो गई, स्मोकिंग हो गई, और बहुत सारी रेडिएशंस के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं, पूरा पॉल्यूशन भरा एनवायरनमेंट है, सभी के सभी की रोल प्ले करते हैं जिससे कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन हो जाता है. इसके अलावा कुछ वायरसेस भी होते हैं, रेट्रो वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी का वायरस, जो कि कैंसर को कॉज करता है, म्यूटेशंस अराइज करता है, राइट. और बहुत सारे कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं म्यूटेशंस के एज कम्पेयर टू अदर पीपल, जिनमें प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन्स तक बदलने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स की, रास, MYC, साइक्लिन डी एंड HER2, जो कि ब्रेस्ट कैंसर में बहुत रोल प्ले करता है. We will discuss about these genes in detail also. Rest, oncogenes से oncogenes में बदलने के लिए कि वो ना बदले, हम अपनी तरफ से क्या measures जो हैं वो अपना सकते हैं. First, सबसे पहले unhealthy lifestyle को छोड़ें, right? Second, जो proper vaccination system है against the viruses, human papilloma virus. Next is what? Right? तो वो proper vaccination हम लें. सेकेंड, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल ज़्यादा कंटेंट में लेना, सन के एक्सपोजर में ज़्यादा आना, राइट. टाइम टू टाइम डॉक्टर से स्क्रीनिंग ना कराना, ये सभी के सभी फैक्टर्स जो हैं उन पर जो है गौर फरमाएं और देखें कि हम कहाँ वर्कआउट कर सकते हैं सो दैट कैंसर जैसी बीमारी जो है वो हमें ना हो. नेक्स्ट, इन आर नेक्स्ट लेक्चर we will discuss, first of all we will discuss about these genes in detail because these are all extremely important, and after that we will proceed to tumor suppressor genes, right. Stay connected, keep learning and exploring. Thank you so much. Good luck. Thanks for watching our video. To subscribe on our channel, please press the subscribe button given below the video. And for regular updates and notification, don't forget to press the bell icon. For more information, query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much, guys. God bless you. Bye-bye. Take care.